अपने भाई साहब की इज्जत बचाने के लिए तुम यहाँ तक चली आई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं इस आग से खेलते हुए तुम्हारे हाथ न जल जाए। अब मैं तुम्हें हासिल करूंगा रसाल। बहुत घटिया सोच है आपकी। क्या समझते हैं अपने आप को? किसी लड़की को हासिल करने के लिए ये क्या जिद है आपकी? जिद अब जुनून बन चुका है। ये अपने चारों तरफ देख रही हो? ये मंदिर, वो पंडित, ये पंडित जी को मैंने बुलाया है। ये सारी तैयारियां मैंने की है ताकि हम शादी कर सके रसाल। मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन आप जैसी घटिया सोच वाले इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी ना बनने दूंगी। मेरे भाई साहब को तुम्हारी नीयत का अंदाजा पहले ही हो गया था, वो सही थे तुम्हारे बारे में। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तुम्हारा भाई मेरे बारे में क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शादी तो आज ही करूंगा मैं तुमसे। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं करूंगी मैं ये शादी। ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी भाभी जो यहाँ से बेदाग गई है उसके लिए तुम्हारी सारी मेहनत खराब जाएगी। क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं कनक के खिलाफ, और ये बात मैं तुम्हारे भाई साहब को खुद बताऊंगा कि उसकी बीवी उसे छोड़ के भागने वाली थी। नहीं, बदनाम कर दूंगा मैं कनक को, और ये बदनामी की बात सुन के रतन सिंह और तुम्हारे भाई साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग थूकेंगे कि उसकी बीवी उसे छोड़ के भागने वाली थी, कभी सर उठा के चल नहीं पाएंगे वो। और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं कहूंगा। अगर तुम मुझसे यहाँ रुक के शादी करोगी तो मैं नहीं कहूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम वापस जाके अपने भाई का उजड़ता हुआ घर देखना चाहती हो तो जाओ। वो भाई जिसने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी रतन सिंह के नाम गिरवी रख दी, वो भाई जिसने तुम्हारा अच्छे घर में रिश्ता करने के लिए एक ऐसी लड़की से शादी की जिसके साथ उसकी जिंदगी नरक बन गई, क्या तुम उसका घर बसाने के लिए इतना सा नहीं कर सकती? तुम कहती हो ना कि रसाल अपने भाई की ढाल है, तो निभाओ अपने भाई के लिए अपना फर्ज और करो मुझसे शादी। मासा की कसम खा के कहता हूँ कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। अरे रसाल ने कोई हाथ नहीं लगाया। तुम्हारे को भी मुसीबत आई ना, तुम्हारे पास हमारी बहन है, मारी रसाल अपने भाई साहब की ढाल। वर कन्या को वरमाला पहना है।
बापू साहब, जब मेरा ब्याह होगा तो मैं भाई साहब और आपको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, बस इधर ही रहूंगी। ये करें बिल्कुल इसी तरह मैं तारा मंडप पर अंदर आऊंगा, खूब धूमधाम से अपनी बहन ने विदा करूंगा मैं। मैंने तुझे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुकून से बेखौफ देखना चाहता हूं। देख यो जो रक्षाबंधन बांधना तूने हमारी कलाई पे, ये हम दोनों को हमारी आखिरी सांस तक जोड़े रखेगा। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। यो क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, शादी की है हमने अभी और अब रसाल मेरी बीवी है। जुबान की जुलवा थरी में, पहली बात जब भाई बहन बात करते हैं ना तो बीच बड़ा बोल, और दूसरी बात ये शादी ब्याह कोई बच्चों का खेलना है कि तू इस तरह यूं बड़ा? मैं इस ब्याह को ना मानता। काटो, घर चल, चल घर चल।
जानती हूँ ये ब्याह करके मैंने आपका दिल दुखाया है और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरी शादी समरसा से हो चुकी है और अब आपसे पहले उनका हक है मारे ऊपर। आप मने ऐसे ना ले जा सकते। क्यों क्या तूने ऐसा लांडो, तूने क्या सोचा? वो कल मैं तारे लिए जो रिश्ता लाया था, तने लगा तेरा भाई सा उस ब्याह का खर्चा ना उठा पाएगा। लांडो तूने वो शादी ना कर दिया, ना कर वो रिश्ता ना मानना ना मान, लेकिन लिखड़े ऐसे इंसान से शादी। लांडो ये आदमी तारे लिए ठीक ना है। सुन तू चल हमारे साथ, तू घर चल, मैं जानता हूं तारे से गलती हो गई है, वही बात है ना, भाई सा है ना, सब ठीक कर दूंगा मैं, तू परेशान ना हो, तू घर चल, तू चल हमारे साथ चल। समरसा मारे पति है, प्यार है हम दोनों के बीच, आप इस रिश्ते को माने ना माने, आपको ये रिश्ता भाई या ना भाई, पर हमारी शादी हो चुकी है। सुन लिया? वैसे अब मुझे अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने के लिए तेरी परमिशन की तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि तू मेरी बीवी का बड़ा भाई है, क्या मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जा सकता हूँ साले साहब? लाडो तू ऐसा ना कर सकती ना, तुझे याद है तू क्या करती थी, तू अपने भाई सा की जान और शान है। जब भाई सा बड़े हो जाएंगे तो उनकी मूछ बन जाऊंगी, कभी नीचे ना होने दूंगी। रवि बार थी तुम्हारी, अपने भाई सा से बड़ा पूछे तू एक निवाल लड़ा खाती थी। तेरे कपड़ों का रंग, अरे चूड़ियां, सब कुछ तुम्हारी पसंद से लेती थी ना, और आज तुमने इतना बड़ा फैसला हमारे से बेटा पूछे ले लिया। हमारे से पूछना तो दूर, तूने मारे को भड़क तक ना होने दी। मैं जानता हूं मारी बहन तक कभी ना करेगी हमारे साथ ना। लाडो हमारी तरफ देख, देख हमारी तरफ, और मन ने बता कि इतने इतने तुझे किस बात पे मजबूर किया यो करने के लिए। तू किसी दबाव में आके शादी कर रही है, मन ने सब पता है, पता मन ने, पता मन ने इसने क्या किया है, मैं इसकी जान ले लूंगा। लाडो सुन, तू डर मत, भाई सा थारे साथ है, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा थारे लिए, मैं थारी ढाल हूं, मैं हूं कीड़ा, पर मैं तो यहां कड़क ने ढूंढता हुआ आया था, और मैं देख रहा हूं कि यह आदमी थारी मांग में से दूर भर रहा है। लाडो मैं जानता हूं कोई बात है, थारी कोई तो मजबूरी रही होगी ना। लाडो बता, बता मन ने, लाडो बता मन ने किस बात की वजह से तूने ये शादी की है। लाडो जवाब दे। तो दोबारा घर छोड़कर भागी ना, और तूने झूठ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मारिए, मारिए मुझे मासा, और मारिए, मारिए मुझे, इसी लायक को मासा।
आपके इन हाथों ने हमेशा मुझे प्यार दिया, आपने मुझे हमेशा पलकों पे बिठा के रखा, और मैं इस घर की बेटी कहलाने के लायक ही ना हूँ मां साहब, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक। मुझे समझ नहीं आता मां साहब, मैं क्यों इस दुनिया को नहीं समझ पा रही हूँ। जब भी मैं अपनी बुरी किस्मत से, अपनी इस घुटन भरी जिंदगी से भागने की कोशिश करती हूँ, बस धोखा मिल जाए। मैं इस घर की बेटी थी मां साहब, और इस घर के नौकर की पत्नी कहलाना मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, इसलिए भाग जाना चाहती थी अपनी इस किस्मत से। पर देखिए ना, एक बार फिर जब अपनी जिंदगी बदलनी चाहे, एक बार फिर तो काफिर बच्ची ना हूं मैं जो उंगली थाम के चलूंगी, किसी ने कोई दबाव ना डाला मारे ऊपर, अपनी मर्जी से की है मैंने ये शादी। हो गई तसल्ली, तो अब अच्छा होगा तुम इस शादी को मान लो और हमें अपना आशीर्वाद दो। के खेल खेल रहा है तुम्हारी बहन के साथ, के फायदा है तारा इससे, यूं शादी ब्याह बना के बता मन्ने तारा के फायदा यो सब करके, वरना आज हमारे हाथों थारा खून हो जाएगा। ये अब मारे पति हैं, और मारे सामने मारे पति को कोई हाथ लगाए मने अच्छा ना लगेगा। आज इसके लिए तू अपने भाई साहब के सामने खड़ी हो गई। आज भाई बहन के रिश्ते में ये तीसरा आदमी आ गया, तो ठीक है लड़ो, तूने ये ब्याह करने का फैसला तो अकेले ले ही लिया ना, तो चल आज एक और फैसला भी कर ले। आज तुझे समर और अपने भाई के बीच में किसी एक को चुनना होगा। पति के आगे मैं भाई को ना चुन सकूंगी। सब कुछ खत्म कर दिया है तूने रसाल, तारा भाई साहब तुझे कभी माफ ना करेगा रसाल, कभी माफ ना करूंगा मैं तुझे। पूर्णिमा जी, कटे थी तू बाबा साहब, वो हवेली के पास वाले बगीचे में गई थी फूल चुनने के लिए, मंदिर ले जाने के लिए। बस पूर्णिमा जी, हाकि शेह को नतीजो है कि आज टावरिया हाथ से निकल गया। फूल चुनने में सुबह से शाम हो जावे के। झूठ बोल, इन्हें बचाने की कोशिश मत करो थे। नहीं रतन साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, शिवानी से मंदिर जाने के लिए कहा था, पहले बगीचे में हमें देखने गई, इसे लगा कि हम लोग मंदिर चले गए हैं, तो ये भी भागकर मंदिर ही आ गई, और जल्दी जल्दी मैं अपना मोबाइल वहाँ छोड़कर चली आई। बेचारी घंटों इंतजार करने के बाद अब वापस आई है। माना कि इसने कई गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार मेरी लाडू पर ही इल्जाम लगाया जाए। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है ना, तो जाकर अपने चाकर उस शिवा से पूछिए ना, उसने इसे कुछ बताया भी नहीं, और यहाँ आकर बोलने लगा कि कनक भाग गई, कनक भाग गई। ऐसा होता है क्या? शिवराज, मासा, देख लाडो, आज जो कुछ भी हुआ ना, उस पर तू मिट्टी डाल। ये सारी बातें मेरे और तेरे बीच दफन हो गई, और रही शिवा के तेरे पति होने की बात, तो बेटा समय सारे जख्म भर देता है, बस थोड़ा सा समय और दे, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे उसे तेरे जिंदगी से बाहर फेंकने का। पर बेटा, इसके लिए अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत ना है, तुझे तुझे ये घर छोड़कर जाने की जरूरत ना है बेटा।
फैसला तो मैं ले चुकी हूँ भाई साहब, आपके खिलाफ समरसा से शादी करके। आपको याद है एक बार आपने मुझे रोका था अपनी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना देने के लिए? आज उसी तरह मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दें, क्योंकि पति के आगे मैं भाई को ना चुन सकूंगी। रसाड़ और शिवा जैसे सूरज और उजाले का साथ बचपन से लेके आज तक हथौड़ों के बीच में कोई भी ना सका ना, और आज जो कोई आया तो ये आज तूने एक भाई से उसकी बहन छीनी है, मारे से मारी जीने की वजह छीनी है तूने, और इस बात के लिए मैं तुझे जिंदगी भर माँ पड़ा करूंगा। खत्म हो गया सब, वो लोरिया, वो किससे, तेरी बदमाशियों पे मुस्कुराना। जब मैं डरती तो मेरे अंदर धक 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 आवाज नहीं आती है, भाई साहब आवाज आती है। थारे गुस्से को झेल जाना, थारी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान देने से पीछे ना हटना, सब खत्म हो गया आज हमारे लिए। दुनिया के रिश्ते अब कभी मायने ना रखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी दुनिया तुझे माना था मारी बहन, और उस दुनिया ने तूने आज अपने हाथों से उजाड़ा है रसाड़, सब कुछ खत्म कर दिया है तूने, सब कुछ खत्म कर दिया है तूने रसाड़। तारा भाई सा तुझे कभी माफ ना करेगा रसाल, कभी माफ ना करूंगा मैं तुझे। प्रसाद, आज के दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है मैंने, बहुत सारी तैयारियां की हैं ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। चकोरी माँ। प्रसाद, आज के दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है मैंने, बहुत सारी तैयारियां की हैं ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। चकोरी माँ।